मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यूं सच सच आकर मेरा इंतजार कर रही हो कि सिर्फ आपके जज्बों की सच्चाई है अदनान। मैंने फैसला कर लिया, मैं अब जॉब करूंगी। ओए डरा ओए, तुझे मैं इजाजत दूंगा तो तू नौकरी करेगी ना? मैंने इजाजत मांगी कब है? सोच तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं तुम्हारे इतने करीब। यही सोच रही थी कि आप मेरे करीब हैं या फिर मुझसे बहुत दूर चले गए। पर तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। मैंने तुम्हें पांचों लिया, कितना अजीब लग रहा है ना ये सब कुछ। आपने तो मुझे पा लिया, लेकिन जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने आपको खो दिया। तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सरप्राइज है मेरे पास। मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है शायद। तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन शायद हसीन। तुमसे ज्यादा हसीन भी नहीं। मैं चेंज करके आता हूं। दादी जी, मैं अली और काशिप को भेजती हूँ, आपसे बातें करेंगे तो आपका दिल भी बहल जाएगा। मेरा दिल। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जी सुनो बेटा। परवीन बेगम। बैठिए। परवीन बेगम, यूसुफ के इंतकाल की खबर तो जैसे मुझ पर कयामत बनकर टूटी, लेकिन मैं क्या करती? फरी आपा को उन हालात में मैं छोड़कर नहीं आ सकती थी। शमसा, दादी जी, आप इस तरह से परेशान ना हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ परवीन बेगम, अब सबर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सबर कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सबर ऐसा करो, नेहा को बुला लो, अम्मी भी मिलेंगी।
तकलीफ हो। अरे भाई इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। अच्छा ठहरो मैं बुलाता हूँ। नेहा नेहा आज चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाओ? चुप होने की क्या बात, बुलाओ। अब्बू वो अंसारी वो दादी जी अगर आप मुनासिब समझे तो मैं बात करूं। क्या बात है, मैं खुद मिल लेती हूँ नेहा से जाकर। अम्मी वो सबा बुलाओ ना, बुलाती क्यों नहीं? परवीन बेगम दरअसल हमने नेहा का रिश्ता तय कर दिया, उसकी बात पक्की हो गई है। लेकिन आपका बहुत एहसान है कि आपने हमारी बेटी को यहाँ पर रखा। अब हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने आए हैं। नेहा का रिश्ता पक्का करता सबा? अबू वो सबा बहुत हो गया ड्रामा, बुलाओ नेहा को। अंसारी दरअसल मेरी जबान साथ नहीं दे रही, मैं किस मुंह नाल दसा के मैं नेहा दा निकाह अदलान से कर दिया। क्या ये आप क्या कह रही हैं अंसारी, ये क्या कह रही हैं? ये मैं तो यहाँ पर यूसुफ की ताजियत करने आई थी, मुझे क्या मालूम था कि यहाँ से हमारी इज्जत का जनाजा उठेगा। ये सब क्या हो रहा है? परवीन बेगम मैं अपनी बेटी को आपके सुपुर्द करके गया था, आपने और अहमद ने उसका सौदा कर दिया। अंसारी गलत मतलब ना ले, मैं अबो आप दादी जी को गलत मत समझो। बहुत हो गया अंसारी, चले यहाँ से। अब हमारा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा और आपका हमारे से। चलो चलो हमार अम्मी शमसा आप मेरी बात तो सुने। बस रहने दीजिए, रहने दीजिए। अबू आप तो दादी जी, दादी जी अली काशी ध्यान से कर होमवर्क, सारा गलत लिख रहा है। अरे अली भाई काश ऑपरेशन हो ही जाता, पढ़ाई से तो जान छुटती ना। वो ज्यादा नहीं बोलते, कॉपी में देख। ओए यार ना मैं की करा, इस कारज की हो रही है वाइफ में गई, मैं लगता है बस होने में जितना रहा था कि हूं मैं बच नहीं सकती। पप्पी जी अब क्या हुआ? अरे अब क्या हुआ, वो जाके पानी लेके आ मां के लिए, उसमें लाल शक्कर डाल के अच्छी तरह, मैं तब तुझे बताऊंगी कि हुआ क्या इस घर में। पहले बताते हैं ना तो शरबत भी सही मिलता है। जा चला जा गल्ला ना सुना मैनू जालिमा, उठ जा। हाय अली बेटा तुझे क्या बताऊं, मेरे मासूम बच्चे वेखे ना इतनी मकारी इतना धोखा, मुझको खबर ही ना हुई, मुझे पता नहीं लग रहा मुझको मासूम को भोली वाली को अंदर ही अंदर माँ बेटे ने मिलके ना, तो वो अदनान का जो इतना बड़ा था जिसका मुंह है, और वो जो लड़की नेहा मिसनी आए जिसका काला सा रंग है, उन दोनों का मिलके ना इन्होंने माँ पुत्र ने निकाह ही करा दिया। हाय मुझे खबर ही नहीं, हाँ अल्लाह की कसम निकाह करा दी। क्या ये क्या कह रही है मुफ्ती जी? मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही हुआ इस घर में, मनु कुछ पता नहीं की होता पे है। हालांकि मैं तो खत्म करके आई हूँ अंसारी वगैरह सारे तल्लुकात, मैं तो दफा करके आई हूँ, मैं तो इन्होंने शक्ल नहीं देखती उन्होंने लोगों की। आप क्या कह रही हैं पप्पी जी? हाय लेकिन अली पुत्र मेरी रातिया बेटी का क्या होगा, किना दे बस पै जाएगी मेरी बच्ची, की होगा उसके नाम। या दादी जी ऐसा कर सकती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। दादी बड़ा कुछ कर सकती है मेरे बेटे, मुझे देखो ना मुझको चार गई है, मैं बेचारी बेवा खतून, मेरा भी परवाह नहीं, क्योंकि मशवरा बंदा ले लेता है करके, जी बेटी तू बता ना, मुझे खबर भी होने दी। माँ जान लेवा ना हो जाए, मेरा ख्याल है कि मैं पानी लेके वो आया नहीं है, मेरा बेटा बड़ा ही फजूल है बच्चा, मोटा ये भी मोटा ही होता जा रहा, खा खा के दिमाग में चंद भी चढ़ गई थी, मेरे ख्याल में बेहोश होने लगी हूँ, बेहोश होने लगी हूँ, पानी ला। चुप हो जाए दादी जी, समझे जो कयामत आनी थी आकर गुजर गई। कयामत गुजरी नहीं, अभी आनी है कयामत के बाद कयामत। देखा तूने रब का इंसाफ,
को जिस पर पर्दा डालना चाहती थी, अल्लाह ताला ने सबके सामने मुझे बेपर्दा कर दिया। ये सब तो वो नहीं था। शमजार अंसारी भी इस घर से मरना जीना खत्म कर गए। गुस्से में बोल दिया होगा मैंने। किसी के कहने से रिश्ते थोड़ी टूटते हैं दादी जी। और वो सुलेखा ने भी मुझे जलील कर दिया। या अल्लाह, मैं क्यों आ गई अहमद की बातों में, क्यों धोखा खा लिया मैंने। ये धोखा अहमद ने अपने आप को दिया। आप देखिएगा, एक दिन इसका यही धोखा इसको ऐसे मुकाम पर पहुंचाएगा जहां उसको जाकर एहसास होगा। इस उम्र में इतनी जिल्लत, मैं ढीठ मरती क्यों नहीं। ऐसे मत ऐसे मत रोएं। कुछ संभाले दादी जी। शमसा, तुम मुझे बताती क्यों नहीं है कि हुआ क्या है? आज तो मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। हाथ उठ गया मेरा सारा पे, हद हो गई है। उस घर के बुजुर्ग इतने खुदगर्ज और लालची, इतना बड़ा धोखा दिया उन लोगों ने हमें। सारी तू भी बता दो क्या हुआ है। क्या बताएं सफो, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कमर टूट गई है, भागो अल्लाह को उठा ले बस। मैं बताता हूँ पप्पू, दादी और अहमद ने नेहा की शादी अदनान से कर दी। क्या? अंसारी, उठो, उठो। ओ, अच्छी तो मार। भूल जाओ सब कुछ। कैसे भूल जाऊं सबको, मेरी दोस्ती को नीलाम किया गया है। चौधरी ने खून किया है मेरे बाल का। हद हो गई है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अहमद को जरा शर्म नहीं आई? नेहा उसकी भाभी थी तो बहन भी थी। नेहा को तो देखो, वो मैकी आने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए इद्दत के दूसरे दिन ही निकाह कर ली। और परवीन बेगम को तो शर्म आनी चाहिए थी, कौन अपनी बहुओं के सौदे करता है। अरे बहुओं का सौदा तो वो भी नहीं करते जो बेटियों का माल खाते। अरे चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ, तुम लोग चुप हो जाओ। क्यों चुप कर जाएं? इतनी बड़ी बात हो गई और आप कह रहे चुप हो जाओ। उन्होंने मुझे धोखा दिया है, उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। चौधरी, वो सब लोग मर गए मेरे लिए, हम उनके लिए मर गए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस घर में मेरी बेटी सबा भी है। अरे सबा भी मर गई मेरे लिए। खुदाना खासा, किसी बदवा निकाल रहे मुझे। सच कह रहा हूँ सब, वो किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, सब मर गए, सब मर। अहमद ने हमारी पीठ में खंजर सिर्फ लालच की वजह से खोपा है। मैं अहमद से इसका बदला लेकर आऊंगा। दादी जी ने और अहमद ने हमारी इज्जत खाक में मिला। हमारे पर इसमें दादी जी का कोई कसूर नहीं है। जारा, आइंदा से तुम उस घर के किसी भी फर्द से बात नहीं करोगी। सर सबा का क्या कसूर, वो तो बहन है आपकी। बस समझ लो, तुम्हारा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो ताल्लुक सबा से ही हो। हकीकत से आगाह कर रही हूँ, आप अहमद भाई को गोली तो नहीं मार सकते।
ऐसा भी हो सकता है, हो सकता था ऐसा अगर सबा हमारी बहन और उसकी बीवी ना होती तो। तो मैं यही तो कह रही हूँ। ज़ारा, एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज तुम्हारा कोई महका नहीं। कुछ भी हो जाए फैसल, मैं उनको छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये था का सरप्राइज। वो सरप्राइज तो भी बाकी है। आपका ये सरप्राइज किसी दिन जान न ले ले मेरी। तुम्हें पाया भी तो मैंने जान का नजराना देखा है। मेरा मतलब है, देखो ना, अगर यूसुफ अपनी जान ना देता तो हम एक ना होते। अगर मेरी माँ अपनी जान का नजराना पेश ना करती तो शायद मैं तुम्हारी जुदाई की तड़प में तड़पता ना। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि मुझे पहले तुमसे मोहब्बत हुई, फिर वो मोहब्बत से इतने बदल गई। यह जब मोहब्बत से इतने बदलती है ना, तो जान के नजराने तो देने पड़ते हैं। अदनान हम एक तो हो गए, लेकिन अब मैं एक बेटी बन के भी रहना चाहती हूँ। बहुत तड़पाया है, बहुत दुखती है मैंने अपने प्यारों को। सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, उन सबकी दुआओं की जरूरत है मुझे। उनसे अलग नहीं रह सकती, उनका साथ चाहती हूँ। तुम्हारी दुआओं का हासिल अब सिर्फ मैं हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी हुई तो मांग सकती हूँ। माफी? आपसे क्यों माफी मांगूंगी? तुमने तड़पाया जो बहुत है मुझे, अपनी जुदाई में। सुलेखा, बद्रा, दुलेखा दुलेखा करन दी कोई लोड़ नहीं है। मर गई तुहाडी दुलेखा, तुहाडे वास्ते तू ते मेरे दुख दर्द दी साथी है, मेरी धी है। रोण वास्ते राबिया थोड़ी है, या ओदे नसीबां नूं रोवां या अपनी किस्मत नूं रोवां। दुलेखा बेचारी दे ते नसीब ही बुरे ने, भैड़ी किस्मत मेरी, उत्तों मेरी धी दी वी किस्मत मेरे तो भी भैड़ी। ऐसा ना कहे पूजा, दादी जी ने भी तो आपकी मोहब्बत में काशिप की खातिर इतना बड़ा धोखा खाया। क्या धोखा दिया सब? देखना कैसे चुपचाप करके मेरी बेटी की शादी कर दी है, बताए बगैर। ना हमने हम लोगों से कोई मकान लिखवाया, कोई जायदाद लिखवाई, ना कोई दुकान लिखवाई, खाली खुले ढोल दिए मेरी बच्ची को। बस मुझको नहीं बताया कि इसको ना पता लगे कि ये ही ना शोर मचा दे। चीजों की कोई अहमियत नहीं होती है पप्पी जी। अल्लाह ने चाहा तो राबिया अपने घर में बहुत खुश रहेगी। यही तो यकीन नहीं आता मुझे बेटा कि वो खुश कैसे रह सकती है। देखना, ना कोई जायदाद है, ना कोई दुकान है, ना कोई दौलत हमने लिखवाई अपनी बच्ची के नाम राबिया के, तो वो कैसे खुश रह सकती है इन चीजों के बगैर। बच्ची बेचारी, मैं सारी उम्र तो गल नहीं करती, सारा कुछ ही आप कर लेते फैसले। देख ले सबा की हो रहा है मेरे नाल। कुछ नहीं होगा आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ ना, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। सर, शुगर कितनी लेंगे?
बीबी बस सुबह से चार चाय पिला चुकी है, पांचवी ये लेके आ गई है। मेरे गुर्दे इतने मजबूत नहीं है। सर का ऑर्डर है कि मेहमान की हर आधे घंटे बाद खातिर तवाजा की जाए। और सर कहाँ है, तुम्हारे सर को भी लेके आ जाओ, सर का ऑर्डर है। और बात सुनो, तुम्हारी आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही है, बिल्कुल अदनान की दादी की तरह। ठीक पहचाना तुमने, यही मेरी दादी। क्या मखौल कर रहा है भाई, वो तेरी दादी तो बड़ी अमीर, वो लैंडलॉर्ड जमींदार टाइप कोई शह है वो? नहीं। अदनान, मुझे एहसास हो रहा है बहुत बड़ी गलती कर दी हम दोनों, सिल्लत का एहसास हो रहा है मुझे, शर्मिंदगी हो रही है अपने किए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। रमी, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम अहमद जैसे शैतान की बहन हो और परवीन बेगम जैसी फ्रॉड औरत की पोती।